मन का, बुद्धि का, विवेक का, यानी जो शोषण है इज्जत का, मान का, सम्मान का, शोषण के इतने रूप दुनिया में कहीं है ही नहीं जितने यहाँ हैं। पर हजारों वर्ष में पहली बार बाबा साहब के हाथ के, बाबा साहब के अगुवाई में और भारत के कई लोगों की कुर्बानी के बाद यह आईन, यह संविधान हमारे हाथ आया है। अफसोस है कि संविधान की इतनी लंबी संग्राम, इतनी लंबी त्रासदी, ऐसा लोगों को सलाह हुआ कि वो आज भी जागे नहीं, और नहीं जागे उसका कारण है ऐसा अद्भुत शोषण का दुष्चक्र है, एक लाख जात बना दी, जात जात में जात, जात में जात, और फिर जात भी जो है उसके अंदर भाषा का अंतर, ज्योग्राफी का अंतर, दक्षिण है तो उत्तर है, उत्तर है तो पश्चिम है, तो जो जात व्यवस्था है इसके जैसे कोई दुनिया में जिस आदमी ने, जिस समाज में, जिन लोगों ने भी इसको बनाया है, उसने सबसे ज्यादा, यानी जो हालात विकट जो बने हुए हैं उसके चलते ये आईना आ गया, ये संविधान आ गया, और संविधान में प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि भारत की जो जनता है वो सावरण अथार्टी है, भारत की जो जनता है वो इस मुल्क की, संविधान में लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा सामर्थ्य और ताकत किसी की है तो वो जनता की है, इन मुल्क की जनता को मालिक बनाया संविधान ने। ये जो हाथ में बैलेट पेपर है, ये जो बटन लगाते हो, ये बिगड़ बटन के कोई एमपी एमएलए नहीं बनेगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, और ये जो त्रासदी से ग्रसित है, इतनी गैर बराबरी की सीढ़ियां हैं, उनमें इतना, यानी उनकी सबकी मिला दोगे, जात को आग लगा दो तो 80-85% वंचित समाज है, लाचार, बेबस, गुर्बत, यूं कहूं कि जो पसीना बहाता है, दौलत बनाता है, वो 80-85% है, उसके हाथ में बटन पेपर, उसके हाथ में बटन है, और 70 बरस में ये बटन जो है वो हमारे हक में नहीं खड़ा। आज भी जो सदियों से राज कर रहे थे आज उन्हीं के हाथ में, कल अयोध्या में आपने देखा, आज संविधान दिवस है, यदि हमारा भारतीय समाज वंचित समाज है, लाचार बेबस समाज यदि खड़ा हो जाता एक कई हजार बरस में एक बार दो अपने सड़क पर आए हो तो कैसे देश का लगा। याद रखना, जनता के सामने कोई नहीं देखता, लेकिन जरूरी है कि जनता इकट्ठी कैसे हो, कोई संगठन बनता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है, इतना ज्यादा 1 लाख जातियां हो, इनमें कैसे आग लगे। भारत की सबसे ज्यादा दिक्कत और तकलीफ ये है कि कल जो है वो संविधान दिवस आज है, और संविधान दिवस के मौके पर ही वही लोग अयोध्या में खड़े होकर कह रहे हैं कि इस आईन को आस्था
ये आयन से बड़ी है। और यदि उनकी बात जीत तरफ चली गई तो हजारों बरस में जो हाथ में आयन संविधान आया है वो आपके हाथ से छूट जाएगा। ये हिमाकत बाबरी मस्जिद के टूटने का मतलब संविधान का टूटना है। आज सारी सुप्रीम कोर्ट को लोग गाली दे रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये सब संविधान को, ये संविधान बन रहा था तब भी ये लोग खिलाफ थे, आज भी खिलाफ। मैं आपसे यही कहता हूं कि कैसे हम सब लोग इंसान बने, जात छोड़कर के जमात में खड़े हों, और एक दिन ऐसा आ कि जात व्यवस्था का हम लोग सम्मान करके इंसान इंसान को बराबर करने का काम करें, सब तरह से माँ बहन बेटी को लिबरेट कर दें। दुनिया में कई माँ बहन बेटी गुलाम नहीं, देश में गुलाम है। ये जात जो है उसकी गुलामी से चल रही है। और याद रखना, जिस देश की माँ बहन बेटी गुलाम होती वो देश भारत बनता है। ऐसा हजारों साल से ये मिलती थे ना, आजादी के बाद भी 70 वर्ष बाद भी हम अपने हाथ में ताकत नहीं ले पाए। याद रखना, जिस देश की माँ गुलाम हो, जिस देश की माँ बहादुर नहीं होती, ये चीन बाजू में है। एक जात है वहां 95% है। पंचानवे फीसदी कहा चला गया चीन। इसलिए मैं नहीं कहता कि जात आज टूट जाए, लेकिन यहां जो सब लोग बैठे हैं, यदि संविधान को बचाना है तो जमात बनाना है। हमारे बीच में जो जात पात करे उसे बाहर करना है। ये जात उनने बनाई है, इसमें हमें आग लगाना है। इस जात को खत्म करना है। जात का भेद मां की गुलामी से शुरू हुआ है। हर जात अपनी बेटी को जात में डालता है, और एक दिन से नहीं, हजारों बरस। नतीजा यह है कि हमारे पास 80% आबादी, 70 वर्ष में हम कहीं। अब आप बताओ, देश में 24 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो दिल्ली का, और उस बजट पर कभी हमारा कब्जा नहीं हुआ। ये जो ट्राइबल लोग हैं, ये जो मूलवासी हैं, खेल है, मोर है, लाला, इनका हक 5वीं सूची में लिखा हुआ, आज तक लागू नहीं हुआ। और मैं पक्की तौर पर कहता हूं कि जगे हुए लोगों से ही हर तरह का इंसाफ करती गुजरता है। ये संविधान आने के बाद भी हम इंसान को जमीन पर नहीं उतार पाए हैं। आप सब लोग थोड़ा होशमंद हो, पढ़े लिखे हो, आपका यही काम है कि संविधान को कैसे बचाया जाए खात्मे की तरफ। इसलिए मैं आपसे ज्यादा लंबा बात नहीं करूंगा, हाजिरी लगाने आया। आज ये संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, बोली खतरे में है। ये अधिकार जिसके चलते आप यहां बैठे हैं, सदर यादव बोल रहा है, हजारों वर्ष में हमारे बाप दादा यहां घास नहीं निकाल सकते थे, यहां चारा नहीं निकाल सकते। ये संविधान आज सबसे ज्यादा खतरे में है। कई तरह के बाबा लोग खड़े हो गए हैं। बाबा की जितनी बड़ी संख्या यहां है, उतनी जितनी बड़ी बाबा बाबा कई तरह के बाबा वो सब खड़े हो गए हैं। वो ललकार रहे सुप्रीम कोर्ट को, वो ललकार रहे देश को, वो कह रहे आस्था। आस्था बड़ी है संविधान से, और यदि उनकी बात सही हो गई, सफल हो गई, तो ये बाबा साहब का संविधान है, ये बिल्कुल किसी काम का नहीं है। 19 में ये जीत गए, यहां से मेरी बात निकल जाना,
अपने मन में लटकाना है, आपने दीवार पर लिखा है ना 19 में जीत गए तो ये सबसे पहले बैलेट पेपर ये वोट है, ये एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये आपके हाथ से छीना जाए। अभी इसको बांझ कर दिया गया है, इतना पैसा कर दिया गया है। मैं अभी चारों तरफ घूम के आ रहा हूं, मैं जिस दिन लड़ा था तो एक ठेला मेरा नहीं लड़ा था, आज कोई आदमी, आज बाबा साहब या डॉक्टर लोहिया या महात्मा फुले ये यहां नहीं चुनौती सकते, हमारे बीच के जो गरीब लोग हैं वो चुनाव नहीं जीत सकते, जिन्हें चुनाव नहीं जीत सकते पैसा चाहिए, पैसा किनके पास है, जिनके पास मुट्ठी भर लोग हैं, धन है, मन है, संपत्ति है, संपदा सब उनके हाथ में, कलम है, अखबार है, मीडिया है। अब आप यहां इकट्ठा हुए हैं लेकिन कोई मीडिया या नहीं, इसलिए एक मेरा कहना है कि संविधान खतरे में है, इस संविधान को आप यहाँ कसम जरूर लिए लेकिन ये कसम जो है वो हमारे यहाँ भजन हो जाती है, ये भजन ना हो, भजन से हमारा कभी नहीं बना, बहुत दिन से हम खूब भजन किए लेकिन कुछ नहीं बना, हमारा वादा बहुत दिन से भजन करना, भजन नहीं पुरुषार्थ संग्राम से हमारी जिंदगी बनेगी, संविधान बचेगा, संविधान बचाने का सबसे बड़ा खतरा इस दौर में उसको बचाओ, यही आज का संकल्प है, यही आज का दिन का, तो ये जो आज का संविधान दिवस है ये आज यहाँ पूरी दिल्ली भर जाना चाहिए थी लेकिन मुट्ठी भर लोग यहाँ और वहाँ खड़े हुए, अब कई लोगों को मालूम भी नहीं कि आप संविधान दिवस है। इन बातों के साथ मैं माफी चाहूंगा, बहुत लोग बोलने वाले हैं, चौधरी साहब बड़े में भूल गया था, अब मैं अपनी बात को यही बता देता हूँ। Thank you.